नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक कथावाचक, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाखों करोड़ों युवाओं के लिए मार्गदर्शक जया किशोरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जया किशोरी जी इन सब के साथ सामंजस्य बिठाती है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल की उम्र से लगातार आप कथा कर रही हैं, सुना रही हैं, कैसे सिलसिला ये शुरू हुआ? कैसे तो खास कुछ नहीं, क्योंकि 6 साल की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है, तो कोई सोच विचार के शुरू किया गया सफ़र नहीं था। ये एक अचानक से शुरू हुआ सफ़र था, जो भजनों से शुरुआत हुई, फिर कथाओं की तरफ मुड़े, अब मोटिवेशनल सेशंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा सफ़र था जो पता नहीं कब शुरू हो गया, लेकिन शायद उनकी कृपा थी इसीलिए। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से सुरीली कथाएं, ईश्वर की गाथा कैसे ये आती है? कोई देवीय शक्ति है, देवीय चमत्कार ये होता है, या अपने आप को आपने ऐसे तैयार किया इस चीज़? देखिए, शक्ति तो सब में है भगवान की। आप कहते हैं ना कि भगवान सबके अंदर विराजते हैं, बस आपको रियलाइज़ होने की देर होती है। तो फिर वो, मगर मुझे नहीं पता, वो भगवान ही जाने। और ये मान के चलती हूँ कि उनकी कृपा ज़रूर है, कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके साथ रहती है हर वक्त। और दूसरा, मेहनत बहुत है, बिल्कुल है, मेरी मेहनत है, मेरे परिवार की मेहनत है, हम सब ने बहुत मेहनत की है, और तब जाकर हम ऐसी कोशिश कर पा रहे हैं कि अपनी कथाओं के थ्रू, मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू, कि एक बदलाव ला सके, चाहे वो किसी की ज़िंदगी का बदलाव हो, चाहे किसी को थोड़ा सा प्रसन्न करने का बदलाव हो, जो भी हो, पर कुछ अच्छा कर सके। जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा बदलाव, कहते हैं ना कई बार कि बहुत छोटा सा जो बदलाव होता है वो कभी कभी बहुत बड़े परिणाम दे जाता है। जिस तरह के बदलाव की आप बात करते हैं, सकारात्मकता की हम बात करें, कि जो निगेटिविटी लोगों में फैल रही है, आप इसको कैसे देखती है? कि आजकल किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे एक हम बात करें, सामान्य सा उदाहरण अगर हम देते हैं कि घर से निकले, आप अक्सर बताती भी हैं कि फ़ोन पर ही आदमी छोटा झूठ बोल देता है कि बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, जबकि उसको पता है कि वो 15 मिनट में पहुंचेगा। कैसे ये निगेटिविटी लोगों में आ रही है, या क्या ज़रूरत है छोटे छोटे झूठ बोलने की? ये कहीं ना कहीं सच से बचने का एक तरीका है। और मैं हमेशा कथाओं में भी कहती हूँ कि आपको लग सकता है कि जो छोटे छोटे हम जो शब्द यूज़ करते हैं कि छोटा झूठ है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ये बोल के हटाने की कोशिश करें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी आदतें बनाती हैं। तो अगर आप छोटे छोटे झूठ बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़ा झूठ एक दिन बन जाएगा। और अगर आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन बड़े सच का सामना नहीं कर पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई से बचने का तरीका है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच से बच नहीं सकते, सच्चाई सामने आती है। और अगर आप छोटे सच का सामना नहीं करें जो आपकी ज़िंदगी का सच है, तो जब एक बार जो संसार का सत्य सामने आएगा, तो आप शायद ही उसका कभी सामना कर पाएंगे। जैसे कहा भी जाता है कि एक बार आप जब सच बोलते हैं तो आपको सच याद नहीं रखना पड़ता, और अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि कहते भी है कि एक झूठ छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं, जो चीज़ें चलती हैं। आध्यात्मिकता की बात करें हम, 6 साल की उम्र से आप लगातार जुड़ी हैं, इतनी कम उम्र में इतना नाम, इतनी प्रसिद्धि, शोहरत, सारी चीज़ें हैं, कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इसके साथ? ये कहीं ना कहीं एक इमोशन की बात है, क्योंकि अगर आप सच में आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, कहा जाता है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आप जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू भी करिए। तो जब आप शास्त्रों की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, अगर गीता जी का भी एक छोटा सा पाठ लिया जाए, तो उसमें भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि तुम कोई होते नहीं हो करने वाले, हम हैं करवाने वाले। तो और कर्म भी कहीं, जब कर्म योग की बात आती है, तो यही है कि जो मैं जाना चाहिए। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं असल में हम नहीं हैं, वो बैठा करवा रहा है और उसकी शक्ति है, इस वजह से आप कर पा रहे हैं, जिस दिन वो हट गई तो शायद मैं ही रहूँगी, आवाज़ भी यही रहेगी, दिमाग भी यही रहेगा, पर जो काम आज कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे।
तो ये जब सोच आप लेकर चलते हैं तो अपने आप चाहे प्रसिद्धि है, चाहे यश है, चाहे फेम है, सब कुछ है, आप हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको हावी नहीं होने देगी, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं दिमाग में कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, करने वाला वो है, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो बस उसका काम अच्छे से करना है। मैं की आप बात करते हैं, मैं कई बार लोगों पर होता है कि छोटे छोटी चीज़ें हासिल करते हैं, मैं बहुत हावी हो जाता है लोगों पर। एक शक्ति की आपने बात की, जब कोई विचार आप करते हैं, कुछ सोचने बैठते हैं, या जैसे आपने कहा कि हम प्रीच करते हैं चीज़ों को, तो कुछ सोच के करते हैं या कोई ऐसी शक्ति मिलती है जिससे कि आता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, कैसे आपके पास ये ख्याल कैसे आते हैं, विचार कैसे आते हैं? ये दोनों ही तरफा है, सोचते भी बिल्कुल है कि जब कथाओं में चिंतन की बात होती है तो चिंतन यही है कि आपका रोज़ाना एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिन का होना चाहिए जब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या और नया करना चाहिए, किस चीज़ों की और ज़रूरत है, तो ये एक चिंतन है। और हर व्यक्ति को जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने जीवन में ये एक टाइम पीरियड रखना चाहिए दिन का, तो वो भी करते हैं, और इसी वजह से शायद भजनों से, कथा से मोटिवेशन की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि लगा है कि ये हो गया, अब नया क्या, अब और क्या करें, तो ये भी एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो आपने कहा शक्ति है, तो वो ही है कि वो पता नहीं पर ज़रूर है। आप जैसा मैंने कहा कि अगर वो नहीं होगी तो मैं ही हूँ, मैं पहले भी मैं ही थी, यही काम कर रहे थे, पर वो जब बदलाव दिखता है तो आपको भी समझ आता है कि अब यहाँ से कृपानी शुरू हो गई है, इसीलिए वो लोगों को भी दिख रहा है, या शायद मान लीजिए आपने मुझे, आपको भी दिख रहा है, बात मैं पहले भी कर रही थी लेकिन आपकी नज़र अगर पड़ी है या किसी को बात अच्छी लगी है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि उसने अब वो शक्ति दे दी है, शायद वो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने पहले किया है तब जाके हम ये टेलीकास्ट कर पा रहे हैं। ज़रूर, ये तो कहा जाता है कि आप जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन आपकी किताब लिख दी जाती है, आपकी कुंडली लिख दी जाती है, पोथी लिख दी जाती है कि आप जीवन में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, मौजूदा दौर में आपके लिए आध्यात्मिकता क्या है और कैसे आप देखते हैं आध्यात्मिकता को, एक व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक होना उसके लिए? आध्यात्मिकता एक तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस आप जितना डूबते जाए आप उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, पर अगर बहुत साधारण शब्दों में कहें तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती है, और वो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य है कि आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, और आप एक लार्जर स्केल पर सोच रख रहे हैं अपना। जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो वो हमेशा हर काम से पहले ये सोचता है कि इससे भला कैसा होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक डॉक्टर अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनकी पहली सोच या पहला उद्देश्य है कि उनकी जो पेशेंट है वो उनकी सेवा कर सके, उनका काम अच्छे से कर सके, उनको आराम दिला सके, और फिर वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं, ये डॉक्टर स्पिरिचुअल है। अगर एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनका पहला उद्देश्य है कि वो शिक्षा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, अच्छे विचारों के साथ हो, ये टीचर स्पिरिचुअल है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी एक लार्जर सोच को लेकर चलने की बात है, एक अच्छे उद्देश्य के साथ, और जो भगवान है जिसको आप चाहे डिवाइन पावर कहिए, एक शक्ति कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, जिनका भी आप सोच लेकर चल रहे हैं, उस शक्ति को अपने साथ लेकर चलना कि मेरे से एक बड़ी शक्ति है जो मेरे लिए और सबके लिए काम कर रही है। इस शक्ति में जो आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं कि एक आध्यात्मिक, मान लीजिए एक व्यक्ति की हम बात करें कि कोई व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक होता है, वो आचरण से अपने आध्यात्मिक होता है, या फिर उसके आसपास का जो परिवेश होता है वो उसको आध्यात्मिक करता है, या फिर उसको आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, आपके विचार में क्या लगता है, कैसे वो एक व्यक्ति का आध्यात्मिकता का आप कैसे परिचय कर सकते हैं? पहला तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है पर वो रियलाइज नहीं करता है, तो उसके कई टेक्निक्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक आपका एनवायरनमेंट भी है। अगर मैं अपनी आध्यात्मिकता की बात करूं तो मैं अपने जो मेरा वातावरण रहा उसको मैं श्रेय देना चाहूंगी कि उसकी वजह से मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी, मेरा एक झुकाव हुआ, एक रुचि पैदा हुई कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है। जब आप शास्त्रों की बात करते हैं तो गीता जी के थ्रू भी यही बताया गया है, और आपके सारे शास्त्र के आध्यात्मिकता के लिए आप शास्त्र पढ़िए,
आप गुरु बनाए, उनसे शास्त्रों को समझे, स्क्रिप्चर्स पढ़े, उसमें आपको आध्यात्मिकता के बारे में सब बताया गया है, जीवन कैसे जीना है बताया गया है, हर रूप से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे वो भावनात्मक रूप है या शारीरिक रूप है या मानसिक रूप है, आपको कैसे स्वस्थ रहना है बताया गया है। तो एक बहुत बड़ा तरीका शास्त्र भी हो सकते हैं कि आप चाहे पहले गीता जी से शुरुआत करिए, फिर आप रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भागवत हो गई, या फिर जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती है। तो एक एनवायरनमेंट है कि आपके आसपास के लोग किस सोच के हैं, वो एक तरीका है, एक शास्त्र तरीका है, सत्संग तरीका है। सत्संग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दिमागी तौर पर आपको बैलेंस्ड फील कराने के लिए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आपके मंत्र है वो आपके दिमाग को काम करते हैं, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। तो सत्संग भी एक तरीका है, मेडिटेशन एक तरीका है। तो तरीके बहुत हैं, चूज़ आप करिए कि आप, और जैसा मैंने कहा, आप आध्यात्मिक हैं। मान लीजिए कि कोई मूर्ति है सोने की, पर उस पर धूल बैठ गई है इसलिए वो चमक नहीं रही या सोना दिख नहीं रहा, तो आप ये मत समझिए कि सोना है नहीं, आपको बस वो धूल हटाने की ज़रूरत है, वापस से वो चमकने लग जाएगी। तो आध्यात्मिकता है पर धूल बैठ गई है, तो ये टेक्निक्स है उस धूल को हटाने के लिए। मन की धूल कैसे हटाएं? आध्यात्मिकता से, बिल्कुल, आपको अपने आप समझ आएगा। और क्योंकि आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ है कि आप खुद के बारे में पहले सोचना शुरू करिए, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ। अभी लोग ये कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी धूल हट नहीं रही, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सबकी धूल हटाते फिरे, कि हम इसको भी ठीक कर दे, उसको भी ठीक कर दे, फिर भी उसको अच्छाई कभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर जो बुराई है वो गई नहीं है अभी तक। आईना साफ करते हैं, चेहरा साफ करना चाहिए, है ना। किसी शायर ने कहा भी है कि आप आईना साफ़ कर रहे हो, चेहरा साफ़ करिए तो आईना भी साफ़ दिखेगा। भगवद गीता की आपने बात की, रामचरितमानस की बात की, कृष्ण को आप व्यक्त करते हैं, राम को आप व्यक्त करते हैं, दो महान विभूतियाँ जिनको लोग मानते हैं, क्या फ़र्क लगता है? विपरीत स्वभाव के दो कृष्ण और राम लगते हैं आपको? कैसे आदमी कृष्ण और राम को अपने में समाहित करे? नहीं, समाहित तो देखिए उनकी पूरी कथाएं हैं समझाने के लिए कि वो क्या क्या सीख लेकर आए हैं, पर अगर बहुत साधारण शब्दों में कहें तो मैंने कथा में भी कहा था और ये मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि श्री राम सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। हाँ जी, तो श्री राम मर्यादा में रहते हैं और श्री कृष्ण मर्यादा में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो बस एक विपरीत भाव है, वरना दोनों एक ही विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, दोनों धर्म को लेकर ही चल रहे हैं, दोनों अच्छाई को लेकर ही चल रहे हैं, काम करने का तरीका अलग है, और इसीलिए दो अवतार हैं। कि अगर कोई कहे कि हमें नियम के अंदर रहकर काम करना पसंद है और आप नियम नहीं तोड़ेंगे तो आपको कैसे काम करना है, वो आप श्री राम से सीखिए। कोई कहे कि नहीं, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो मैं कई नियम तोड़ना भी चाहूँगा, तो आप श्री कृष्ण को देखिए। तो ये दो अवतार है जो अपने अपने तरीके से पर काम एक ही कर रहे हैं, कि धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे को तैसे की अवधारणा पर कृष्ण बात होती है। हाँ, कृष्ण कहते हैं जैसे को तैसा है जी, और राम कहते हैं कि मर्यादा में रहिए। राम कहते हैं कि अपने स्वभाव को मत छोड़िए जी, अगर आप अच्छे हैं तो भले ही सामने वाला बुरा है, आप बुरे मत मानिए, आप अच्छे ही रहिए। राम और कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा हटके सवाल है। हम जैसे आप अक्सर कहते हैं कि मैं कथावाचक हूँ, मैं संत नहीं हूँ, गृहस्थ जीवन को लेके क्या विचार, एक जया किशोरी जी के मन में क्या विचार होता है गृहस्थ जीवन को लेके, कि क्या होता? नहीं है, मैं गृहस्थ जीवन, मैं अभी भी परिवार के साथ रहती हूँ और गृहस्थ जीवन ही मैंने चुना है। कहीं ना कहीं कहते ना, विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते, या तो गृहस्थ या वैराग्य, तो मैंने गृहस्थ ही चुना है, और आगे जाके भी चाहे वो शादी है, परिवार है, सब कुछ होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं संत या साधु या साध्वी नहीं हूँ, मैं एक साधारण घर की बच्ची हूँ जिसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज़्यादा है, और वो बचपन से है। तो कब मुझे जैसा मैंने कहा, ये शुरुआत कब हुई मैंने सोचा नहीं था, कि जब तक मुझे समझ आई तब तक मैं इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुकी थी। तो इसीलिए मेरा इस सफ़र में कुछ सोची समझी बात नहीं थी कि अच्छा ये अच्छा है, यहाँ काम करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अच्छा लगा, मेरी रुचि बढ़ी, जिज्ञासाएं हुई, मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे कब वही आपका काम बन गया और वही आपकी ज़िंदगी बन गई वो पता नहीं चला मुझे।
जी कहते हैं ना कि जो काम आपका होता है उसको अगर आप आनंद से कर रहे हैं तो उससे बेहतर जीवन नहीं हो सकता। एक बाल सुलभ शुरुआत आपकी हुई, जैसा आपने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आगे जाके यही मेरा जीवन बनेगा, यही मेरा काम बनेगा। तो जिस तरीके से ये काम शुरू हुआ था, धीरे धीरे आपका एक एक शब्द जो है वो करोड़ों लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, कई लोग अपनाते हैं। अभी आपने यहाँ कथा की शुरुआत की थी तो लोगों को आपने होमवर्क दिया था, कैसे काम करता हूँ, होमवर्क असर दिखता है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं जाता है हमारा होमवर्क पूछने में, क्योंकि होमवर्क कहते ही सब जल्दी जल्दी से कथा बताने लग जाते हैं, तो अच्छा लगता है ये देखकर। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मेहनत तो है कि हम सभी आए हैं यहाँ पर, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हम इतनी देर जब बात कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो सुने, उसको ग्रहण करें। लेकिन जब आपको ये होमवर्क अच्छे से होता हुआ दिखता है तो आपको खुशी मिलती है, और ये एक अलग खुशी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। क्योंकि वरना करने को तो देखिए, हम यहाँ से फिर कहीं और है, वहाँ से फिर कहीं और है, चलते जा रहे हैं। पर जब आप जिनको कथा सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको महसूस करवाते हैं कि हाँ, वो सुन रहे हैं, हाँ, वो घर जाकर उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो एक अलग खुशी मिलती है जो यहाँ मुझे बिल्कुल मिल रही है। यानी कि एक शिक्षक की भूमिका में जाके सूरी जी बहुत खुश है अपने छात्रों से। हरदा में कृषि मंत्री जी ने इतना बड़ा जो आयोजन किया है, आपने एक वीडियो भी जारी किया था अभी, और कई लोगों से आपने अपील की थी कि यहाँ पर आने के लिए है, और हमने देखा कि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और छात्र जो है काफी प्रभावित है, तो शिक्षक बहुत खुश हैं, बहुत खुश छात्रों के होमवर्क से, छात्रों के व्यवहार से। हाँ जी, मध्य प्रदेश में एक अभी आपने जैसे बात की गृहस्थ जीवन की, हम बात करते हैं कि कृष्ण जो है मर्यादा में रखते हैं, राम मर्यादा में रहना सिखाते हैं। अपने जीवन में जया किशोरी जी क्या सोचती है, कृष्ण जैसा, राम जैसा, या एक दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है जो जीवन भर जीवन पथ पर साथ आगे बढ़े? देखिए, मैं तो उनके जैसा सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, और भगवान के लिए तो कहा भी गया है कि आप उनकी नकल नहीं करनी है, वो जो सिखा रहे हैं सीखना है। तो हाँ, मेरा झुकाव कृष्ण की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, और कृष्ण पूर्ण अवतार है, कृष्ण सबसे प्यारा अवतार है, सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करने वाला अवतार है, तो मेरा झुकाव कृष्ण की ओर बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा है। पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, भक्ति काफ़ी है, वो इसीलिए तो आप जब श्री राम की भी बात होगी तो शायद मेरे मन में भाव उतने ही ज़्यादा होंगे, उनका भी भजन होगा तो मैं उतने ही भाव के साथ सुनूंगी, उनकी बात होगी तो मैं उतने ही भाव से कहूंगी। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर अगर आप नाम कहेंगे तो मैं कृष्ण का नाम ज़रूर लेती हूँ, पर मेरे लिए आप श्री राम हैं, महादेव जी है, कृष्ण है, दुर्गा माता है, आप भगवान के नाम, मेरे भाव एक ही रहते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ शक्ति एक ही है, नाम कई है पर शक्ति एक ही है। एक विचार है हमारा ये भी, जैसे आपने कहा कि कृष्ण मर्यादा में रखते हैं, और जिस तरह से अपने भावना जो व्यक्त की है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में कृष्ण का होना ज़्यादा ज़रूरी है, है ना, ताकि जिस तरह का माहौल है या जिस तरह की नकारात्मकता आसपास घुल रही है, तो लगता है कि कृष्ण ही उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है जी। एक और सवाल है छोटा सा बहुत, जिसका जवाब बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि जया किशोरी जी छोटी उम्र में इतनी शोहरत, इतना नाम, लोग बातों को मानते हैं, सारी चीज़ों का है। एक पहलू यह है कि जया किशोरी जी दान पुण्य और मदद में भी बहुत आगे हैं, तो कैसे आप उन चीज़ों को करती हैं? मैं इस पर ज़्यादा काफ़ी संक्षिप्त, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता दान पुण्य, ऐसी चीज़ है कि आप जब करें तो आप बताएं, ना ही तो ज़्यादा अच्छा है। पर बिल्कुल मैं इस पर बात करती हूँ कि आपसे जितना हो सके आप सहयोग करिए, और आपके आसपास ही आपको कई लोग दिख जाएंगे जिनको मदद की ज़रूरत है, और मदद भी तन मन धन, जैसा मैंने कथा में कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धन की सहयोगता ही दान माना जाएगा या सहयोग माना जाएगा, आप तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, आप मन से सेवा, किसी को खुश करें, उनके बारे में अच्छी बातें करें, उनकी अच्छाइयाँ देखें, वो बड़े खुश हो जाते हैं। आज ये कम हो गया है कि आप लोगों की तारीफ़ करें, हम बुराइयाँ ढूंढने में ही लगे हैं कि वो ख़राब है, वो ऐसा है, पर थोड़ी अच्छाइयाँ भी ढूंढिए, व्यक्ति खुश हो जाता है, तो थोड़ी खुशी बांटने से भी सेवा ही है।
तन की भी सेवा है कि आप शारीरिक तौर से किसी की मदद कर रहे हैं, धन की सेवा है कि जब आप धन से कर सकते हैं आप सेवा कर रहे हैं। तो अर्थ यही है, मॉरल यही है, सेवा करिए। आपके कारण किसी की ज़िंदगी में अगर बदलाव आता है किसी भी रूप से, तो वो एक सेवा है और बहुत अच्छी बात है। और शायद यही एक एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हैं। इंसानियत इसी को कहते हैं, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपको शक्ति दी है काम करने का, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपना ही पेट भर सके, आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगियां भी बदलनी चाहिए, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। अगर आपने जन्म लिया है तो उस जन्म को सार्थक कैसे करना है, ये बहुत अनिवार्य है। एक बहुत छोटा सा और अंतिम सवाल है, बहुत सारे लोग निगेटिविटी में घिरे, जो हम बात की थी शुरुआत में भी हमने, कि कैसे लोग अपने अंदर जो नकारात्मक तारे, आप जैसे कह रहे हैं कि लोग बुराइयाँ खोजने में लगे हैं निगेटिविटी, तो क्या संदेश आप न्यूज़ 18 के माध्यम से जो लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं सुनते हैं, उनको आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, पहला तो जो एक साधारण जब नेगेटिविटी की बात आती है, हम कहते हैं कि ये इंसानियत नहीं है। इंसान का काम है अच्छी चीज़ें करना, अच्छे विचार रखना, अच्छा बदलाव लाना। और अगर आप सकारात्मकता की ओर नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको जो काम दिया है आप उससे विपरीत हो रहे हैं। तो ये तो पहला ही पॉइंट है कि हम गलत जा रहे हैं। दूसरा, अगर रियल में आपको आपको है कि नहीं, मैं आजकल, क्योंकि शब्द है ना कि मेरी पारखी नज़र है, और हम क्रिटिसिज्म एक अच्छी बात होती है, बिल्कुल होती है, तो थोड़ा अपने ऊपर करके देखिए। अगर आपको बुराई ढूंढनी है आप अपनी बुराइयाँ ढूंढिए। और इंसान, और ये हर मैं अपने लिए भी कहूँगी या किसी के लिए भी, इंसान के खुद में इतनी बुराइयाँ हैं कि अगर वो ढूंढने बैठे वो अपनी पूरी ज़िंदगी तो निकाल ही लेगा। कि बुराई ढूंढ के उस पर काम करिए। जिस दिन आपको लगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, उस दिन आप बुराइयाँ ढूंढना दूसरों में शुरू करिए। लेकिन जब तक आपकी सारी बुराइयाँ समाप्त नहीं होती, तब तक आप मान लीजिए आप दूसरे में बुराई नहीं ढूंढेंगे। बुरा जो मैं देखन चला। हाँ जी, एकदम जी। ये जया किशोरी जी न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात की, और समाज में जो नकारात्मकता बढ़ रही है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे किसी शायर ने भी कहा कि धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा, तो जया किशोरी जी यही कहना चाहती है कि हर व्यक्ति अगर अपने मन के अंदर झांके तो उसे दुनिया के सर्वोच्च सुख प्राप्त हो सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।